तो मेहरबान हो, ये रागनी होगी राजा मूर्धज के किस्से से। और समय के बाद की जब प्रेमी साथियों परीक्षा लेने के लिए एक माया रूपी शेर को लेकर के श्री कृष्ण भगवान और वो अर्जुन साधु का भेष बना करके पहुंच जाते हैं राजा मूर्धज के दर पे, जाकर के लख जगाते हैं। मेहरबानो, राजा मूर्धज से कह देते हैं कि आज तुझसे हम कुछ मांगना चाहते हैं। महाराज, क्या मांगना चाहते हो? हमें तेरे बेटे का दान चाहिए, क्योंकि जो ये शेर है ये और कुछ नहीं खाता, मनुष्य का मांस खाता है। प्रेमी साथियों उदास हो जाते हैं, तो चल देते हैं वो साधु कि तुम्हारे अगर बस की नहीं है तो रहने दीजिए। तो मेहरबानों, किस तरह से राजा मूर्धज रोकने लगे, क्या वो साधु कह रहे हैं और क्या राजा मूर्धज, दोनों के सवाल जवाब इस रागनी के द्वारा जिसे लेकर के आ रहे हैं ज्ञानिंदर सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद वे भाई हरिंदर नागर हस्तनापुर ये बताया वाला। और तेरे बस का नहीं है मारा शेर जिमाना, तेरे बस का नहीं है मारा शेर नहीं हूं, लेकिन मैं मनमानी भी नहीं कर सकता।
कुछ हक है बिराणा अभी जाओ ना गुरु ठहरे के जाना ओ तेरे बस का नहीं है मारा शेर जी माना तेरे बस का नहीं है मारा शेर जी माना अरे राजन तुम तो चतुराई से बात कर रहे हो दान देना नहीं चाहते हम अपने घर को अपने आश्रम को जा रहे हैं ऐसा ना करो गुरु आज तक मैंने कोई भी अपने दर से खाली हाथ नहीं मैं अपनी अथंगनी अपनी रानी से सलाह करके अभी आपको बताता हूँ आप जाओ ना नाम